हाउ टू लाइन अप बियर्ड, बियर्ड में या दाढ़ी में लाइन कैसे लेके आए। अगर आप भी बियर्ड की ग्रोथ करते हैं लेकिन आपकी बियर्ड में लाइन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दाढ़ी उगाने का सपना हर इंसान का होता है, हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि मैं बियर्ड लुक रखूं। बियर्ड को लेकर सीरियस हो जाते हैं लोग, बियर्ड लुक आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर किसी के फेस पर दाढ़ी होती है। लेकिन आप दाढ़ी तो बड़ी कर लेते हो लेकिन उस दाढ़ी में आप लाइन लेकर नहीं आते हो, जिसके वजह से आपकी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो दाढ़ी को अच्छा रखना और अच्छा करना वो आपका काम रहता है कि आप आपकी दाढ़ी को कैसे ग्रूम करते हैं, किस चीज़ से आप उसको काटते हैं, किस चीज़ से सेट करते हैं, किस चीज़ से आपकी दाढ़ी पर लाइन आती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कैंची या कैचा उससे उठा के वो दाढ़ी की लाइन अप कर लेते हैं, यानी लाइन बना लेते हैं। लेकिन वो बाल कटते हैं तो फिर वो बाल एक दिन में ही वो दोबारा से काले होने लग जाते हैं, वो आपकी एक दो दिन में ही लाइन ख़राब होने लग जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बियर्ड को ट्रिम कर लेते हैं, जो आप देख रहे हो बियर्ड को ट्रिम करके, तो फिर वो ऊपरी हिस्से से बाल कटते हैं तो फिर वो भी एक दो दिन में काले होने लग जाते हैं। बहुत से लोग जो रहते हैं ना वो शेविंग करते हैं दाढ़ी को सेट करने के लिए, यानी जो आपकी दाढ़ी है वो सेट करने के लिए, जहाँ पे बाल आपके अनवांटेड हेयर से या फिर आपकी लाइन आपको करना है तो वहाँ पे दाढ़ी के बालों को काट लेते हैं, तो वो भी गलत तरीका होता है। तो अगर आप नेचुरल तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत से लोग क्रीम्स भी यूज़ करते, कर एक बार क्रीम लगा ली इसके बाद दाढ़ी के बाल उड़ जाते, बट ये भी गलत तरीका है। तरीका बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई टेप वगैरह या फिर जो है ना बैग्स वगैरह कराते हैं, टेप लगा के खींचते हैं, उससे ही बाल निकल जाते हैं, तो वो बिल्कुल सही तरीका होता है। अगर आप दाढ़ी के बालों को निकालोगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे दोबारा उगने में। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं अपने जो बाल है ना ओनली फेस के, जो आपके चीक से वहाँ के बालों को मैं थ्रेड करता हूँ, यानी हाथों से निकालता हूँ, धागे से निकलवा लेता हूँ सलून पर जाके या फिर किसी भी दुकान पर जाके, फिर वो बाल है ना कम से कम 15-20 दिन में वो ऐसा कैसा ही फेस मेरा रहता है, वो बाल बहुत ही आराम से ग्रोथ होते हैं। लेकिन आप नेक पर जरूर सेव कर सकते हैं, नेक पर सेविंग करना बहुत अच्छी बात होती है, ताकि वो आपका जो नेक है वो फेड निकले, थोड़ा सा गोरा निकले, तो वो आप कर सकते हैं। ओनली नेक पर आप चाहे कैंची चला सकते हैं, चाहे आप जो है वो सेव कर सकते हैं, चाहे आप होम ट्रीटमेंट या कुछ भी कर सकते हैं। नेक जो है ना वो इतना हार्ड नहीं होता, बट फेस आपका सामने दिखता है, नेक बहुत कम लोग देखते हैं, आप जब साइड में देखते हो तब आपको देखते हैं, बट फेस है ना वो आपको चारों तरफ से राउंड अप होके लोग देखते हैं। तो उस पर अगर आप लाइन अप लाना चाहते हैं तो ओनली आप थ्रेड कराएं या फिर बैक्स करा सकते हैं। बैक्स मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं होता, बट आप थ्रेड करा सकते हैं, जहाँ पर भी आप लाइन अप है वहाँ के ऊपर ऊपर के बाल आप निकाल सकते हैं, बेस्ट तरीका है। मैं खुद करता हूँ, आप मेरी दाढ़ी देख रहे हैं, जो बियर्ड है उसको मैंने लाइन अप किया हुआ है बिल्कुल पूरा बराबर कंडीशन में, कितना गैप है, कितना गैप रखना चाहिए, लिप्स जो नोस है वो कितना, जो लिप्स है वो कितना, सब कुछ अगर आप एग्जैक्टली टाइमिंग से एग्जैक्टली साइज से आप करोगे तो आपका फेस भी अच्छा लगेगा और आपकी दाढ़ी भी अच्छी लगेगी। दाढ़ी बड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट दाढ़ी को ग्रूम करके रखना, दाढ़ी को सेट करके रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। 100 में से मुश्किल से 20-25 लोग होते हैं जो दाढ़ी को ग्रूम करके रखते हैं, सेट करके रखते हैं, बाकी लोग दाढ़ी को सेट नहीं करते हैं। तो आप भी दाढ़ी को सेट करते हो पर नहीं करते हो, आपकी दाढ़ी में भी लाइन है या फिर नहीं, आप भी लाइन अप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आप आपकी दाढ़ी को लाइन अप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।